गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज अपन करेंगे जो अपने इलेक्ट्रोडायनेमिक जो पेपर चल रहा है उसके अंदर अपन ने पॉइंटिंग वेक्टर का फॉर्मूला निकाल लिया, ठीक है। अब उसके आगे का देखेंगे अपन नेक्स्ट में, वो क्या होगा, पॉइंटिंग सदिश एवं ऊर्जा घनत्व, ठीक है। तो ये अपन देखेंगे पॉइंटिंग वेक्टर एंड एनर्जी डेंसिटी। मुक्त आकाश में पॉइंटिंग सदिश, फ्री स्पेस के अंदर पॉइंटिंग सदिश कैसे होता है, ठीक है। तो पॉइंटिंग सदिश निकाला था, पॉइंटिंग वेक्टर अपन ने निकाला था, वो क्या था, एस इज इक्वल टू ई क्रॉस एच, ये अपन ने निकाला था वेक्टर, ठीक है। एच की वैल्यू लास्ट आपको याद होगी, एच की वैल्यू अपन ने ये निकाली थी कहीं, वन अपॉन म्यू नॉट सी एन कैप क्रॉस ई, ठीक है। ये वैल्यू अपन ने पहले निकाली है, ठीक है। कब निकाली थी ये वैल्यू अपन ने, ये निकाली थी जब अपन क्या कर रहे थे, फ्री स्पेस के अंदर अपन क्या कर रहे थे, जो ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उस वो जो टॉपिक किया था अपन ने, उसके अंदर एच की वैल्यू निकाली थी अपन ने, ये वन अपॉन म्यू नॉट सी एन कैप ए, ठीक है। ये वैल्यू अपन किस में पुट कर देंगे, ये वैल्यू अपन इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, जो अपना पॉइंटिंग वेक्टर उसमें एच की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। अब ठीक है, अब आपको ये भी पढ़ाया है कि दो वेक्टर क्वांटिटी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई है और दूसरी कोई क्वांटिटी उसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई है, तो उसको कैसे अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ई डॉट ई एन कैप माइनस ई डॉट एन कैप ई, ठीक है। तो ई डॉट एन कैप यानी कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि कॉस 90 जो होता है वो जीरो होता है, इससे ई डॉट एन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। यहाँ से एन तो एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन अपॉन म्यू नॉट सी ई टू ई स्क्वायर एन कैप, एस इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाय जेड जीरो एन कैप। जेड क्या है, मुक्त आकाश में तरंग प्रतिबाधा, मुक्त आकाश में तरंग प्रतिबाधा अपने पहले निकाली थी ना, तो इसको लिख दिया वन अपॉन म्यू नॉट सी को। तो एस के अब क्या लेंगे, इसके अब लेंगे अपन जो पॉइंटिंग सदिश का औसत मान लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे इसका, ठीक है।